वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक बार फिर से जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। तो थोड़ी बोरी रेसिपी अभी सर्च की गई है, किस पे पता नहीं वो सर्च किया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं एकदम बेस्ट और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तैयारी चालू हो गई, चलते हैं दिखाते हैं कैसा बन रहा है। यहाँ पे आलू को छीला जा रहा है और इतना मोटा मोटा कौन छीलता है भाई? आलू हैं, आलू वो छोटी छोटी है। और यहाँ पे आलू छीलने का कार्यक्रम चल रहा है। पहले कैसे कटेगा? इसको काटने के लिए हम बताएं आप क्या करें। कौनसा बिल ना लाओ। अच्छा अच्छा हाँ, तो गाइस यहाँ पे होलसा लाओ, जाओ होलसा लेके आओ। और चाकू वो पापा की वो बड़ी वाली चाकू ले गया और उसी से आज पहले हाथ धुल के आए आप। अपने अपने फोड़े में अपना हाथ और नाक में हाथ लगाया था और अच्छे से इसको वॉश करके आए, चार पांच बार रगड़ के आए। सफाई से काम नहीं तो हम खा नहीं सकते, हम बहुत भगत आदमी हैं। और अच्छे से काटिए, आलू नहीं सही है ये आ गया, इसी पे रख के काटना है। काच 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 काच। गाइस यहाँ पे आलू काटी जा रही है फ्रेंच फ्राइज के लिए। देखते हैं, कह रहा 3 महीने से आलू ही तो काट रहे हैं। कट गया, हम भी ट्राई करेंगे जरूर। साइज चेक करते हैं। सही है। इसमें अगर हम रेटिंग देंगे तो आपको हम रेटिंग, जैसे 10 में से अगर देना हो तो 5 रेटिंग दे ही सकते हैं। नहीं, 9 देंगे। ये तो 5 रेटिंग, ये तो नहीं बेकार, या इतनी बेकार 5 रेटिंग। काटे हैं इतने अच्छे अच्छे पतले पतले, तो आप गड़बड़ काट रहे हैं, हम सबसे अच्छा काटे हैं। गाइस ये देखिए हमारी फ्रेंच फ्राइज कटी हुई और इसकी फ्रेंच फ्राइज कटी हुई अंदर दोनों में कितना अंतर है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस यहाँ बनने के लिए हमारा प्रोडक्ट रेडी है। ये है बेसन, वो है उबाला टमाटर और ये रही हमारी और क्या, वाइट टमाटर। ये रही हमारी छन्नी, इससे हम बेसन को छान लें, इसको इसमें गीला करेंगे, उसके बाद आलू को धुलने के बाद इसमें डिप करेंगे, डिप करने के बाद इसमें तेल में लाल करेंगे और वो चटनी बनाने के लिए, ये चटनी बनाने के लिए है। ये रहा नमक, नमक भी पड़ चुका है इसमें। अपना अपना तरीका है बनाने का, अगर आपको इससे अच्छा तरीका आता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलते हैं देखते हैं अपनी फ्रेंच फ्राइज कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा। और यहाँ पर हमारी फ्रेंच फ्राइज कढ़ाई में जा चुकी है, इसमें ऐसा है और उसमें कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे भी ये देखिए हमारी फ्रेंच फ्राइज गर्मा गर्म। गाइस इसमें हमारी चटनी बन रही है, जो मतलब बन नहीं रही, इसमें अभी पक रहा है। टमाटर वमाटर डाला गया, उसको उबाल के फिर उसके बाद बनाया जाएगा। और यहाँ पे ये छन रहा है, इसको अभी बन जाने देते हैं, उसके बाद बनने के बाद हम लोग टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनता है। गाइस यहाँ पे हमारा फ्रेंच फ्राइज इतना सारा निकल चुका है, तो चेक करके देखते हैं कैसा लग रहा है टेस्ट और कैसा बना हुआ है। खाने में एक नंबर, जैसे दुकानों पे मिलता है वैसा ही लग रहा है। अब इसकी चटनी अभी बन रही है, तो देखते हैं चटनी के साथ ये कैसा लगता है। एक नंबर भाई। तो गाइस यहाँ पे ये रही इसकी चटनी और वो रहा वहाँ पे हमारा फ्रेंच फ्राइज। लाओ जल्दी लाओ, हम लोग चाहते हैं अंदर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बच्चों को भी दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट है जो पढ़ने आते हैं, और हम खा रहे तो इनको भी पहले खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। लो बच्चों फ्रेंच फ्राइज खाओ, अब बताओ कैसा बना है। कैसा बना बच्चों? अच्छा। अच्छा बना है, गुड। पढ़ो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा फ्रेंच फ्राइज। गाइस आ चुका है हमारा फ्रेंच फ्राइज और ये रही इसकी चटनी। राइस एक नंबर, बहुत तीखा है पर एक नंबर। हाँ राइस बहुत तीखा है, तगड़ा है, एक नंबर।
गाइस यहाँ पे हमारा फ्रेंच फ्राइज खत्म हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं थाली में। और ये रही इसकी चटनी, चटनी कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई थी, पर फिर भी बहुत ही मस्त था। झूठ झूठ झूठ, फिर भी बहुत मस्त था। तो गाइस हम लोगों ने खा लिया और बहुत ही तीखा था जैसा कि आपको बताया। तो अब हम लोग जा रहे हैं फोन लेमिनेशन करवाने और टेम्पर लगवाने के लिए, और ये इसके फ़ोन का है। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं शॉप पे, और बहुत तेज़ ज़्यादा धूप है और अभी 4 बज रहे हैं, तो चलते हैं लगवा के आते हैं। बगल में ही है वैसे झिल्ली, यहाँ पे हमारी झिल्ली लग रही है, बैक गार्ड हो गया, बैक गार्ड लग रहा है। धनी पे लग चुका है, जो कि 1% भी पता नहीं चल रहा, पर अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे पन्नी का कट आपको दिख जाएगा। और ये लग चुका है गाइस, यहाँ पे अब लग रहा है हमारा थोड़ा सा कैमरे से दिखता है। तो गाइस यहाँ पे लग चुका है टिम्पर्ड और स्किन गार्ड, एकदम मस्त ये लग रहा था। गाइस तो अब हम चलते हैं। तो कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द एक अगले ब्लॉग में। बाय बाय।